यूपी के रामपुर में आज पूर्व कांग्रेस नेता फैसल लाला के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिमों ने नोटा पर वोट डालने के समर्थन में हेलमेट लगाकर पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। मार्च बरेली गेट से शुरू होकर शाहबाद गेट पर समाप्त हुआ। इस मौके पर फैसल लाला ने कहा कि प्रशासन समाजवादी पार्टी से मिला हुआ है, इनकी आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। हमने पैदल मार्च के लिए बरेली गेट, शाहबाद गेट से बाजार, नसरुल्ला खां, बंगला आजाद, थाना गंज तक की परमिशन मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने आखिरी वक्त में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली का हवाला देकर हमारा रूट बदल दिया। फैसल लाला ने कहा कि नोटा पर वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो कि चुनाव आयोग ने हर भारत के नागरिक को दिया है। ऐसे में हमारी आवाज को प्रशासन और विपक्षी पार्टियां दबा नहीं सकती। समाजवादी पार्टी नोटा पर वोट डालना अलोकतांत्रिक बता रही है, साथ ही वह लोग नोटा पर वोट डालने वालों पर एसिड फेंकने की धमकी भी दे रहे हैं। इसलिए नोटा समर्थकों ने हेलमेट पहनकर पैदल मार्च कर वोटरों को जागरूक किया। फैसल लाला ने कहा कि अगर अब्दुल्ला या उनके बाप में हिम्मत है तो मेरे ऊपर एसिड फेंक कर दिखाए। फैसल लाला ने कहा कि उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब सियासी पार्टियां किसी ऐसे भूमाफिया या डकैत को टिकट देकर जनता पर अपना प्रत्याशी थोपती है जिनको जनता अपना नुमाइंदा नहीं चुनना चाहती, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान ने हमें नोटा का विकल्प दिया है, जिसको साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देकर देश में लागू कर दिया है, जिसके जरिए जनता अपना मत अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत कर सके और उन सियासी पार्टियों को सबक सिखा सके जो जनता पर अपराधी या जाहिल प्रत्याशी थोपते हैं। फैसल लाला ने कहा कि रामपुर में नोटा पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए एक नजीर साबित होगा। देखिए, अब से कुछ दिन पहले रामपुर के तमाम हजारों लोग शुतुरखाने के चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। वहां उस जलसे के दौरान तमाम लोगों ने यह तय किया कि इस उपचुनाव में कोई भी पार्टी का प्रत्याशी इस काबिल नहीं है जो हमारी नुमाइंदगी कर सके। एक प्रत्याशी के ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं तो दूसरे प्रत्याशी डमी के रूप में और पार्टियों ने उतारे हैं। इसी को देखते हुए तमाम रामपुर के मजलूमों ने, कमज़ोर लोगों ने ये तय किया था कि इस चुनाव में इस बार चुनाव आयोग का दिया हुआ हथियार नोटा का बटन दबाएंगे रामपुर के मजलूम। उसी को लेकर अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान के बेटे हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई नोटा का बटन दबाएगा तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाएगा। इससे तमाम उन मजलूम लोगों के अंदर गुस्सा था। वो तमाम वोटर आज निकले, हेलमेट लगाकर पैदल मार्च किया, रामपुर की गली गली में घूमे और लोगों को जागरूक किया कि नोटा पे वोट देना हमारा अधिकार है और चुनाव आयोग ने हमें ये अधिकार दिया है। तो आने वाली 21 तारीख को इन तमाम मजलूमों ने ये तय किया है कि न सिर्फ रामपुर की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगाने का काम करेंगे और नोटा का बटन दबाएंगे, तमाम पार्टियों को दिखा देंगे कि नोटा की ताकत क्या होती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।